बदसूरत बतख की कहानी। गर्मियों के दिन थे, शाम के समय एक बतख झील के पास ही एक पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर निकल गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा नहीं आया था। बतख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। फिर एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का यह बच्चे अपने बाकी के 4 भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बतख की माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बतख भी अपने भाई बहनों की तरह ही सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वह सारे बहुत खुश हो जाए। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड भी लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहाँ से वह एक मुर्गी के परिवार के पास गया। उन्होंने भी वह चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे खाना नहीं चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल में चला गया। जंगल में वह एक किसान से मिला। किसान उस बदसूरत बतख को अपने घर ले गया। वहाँ पर भी उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में वसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बतख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि अब वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बतख भाई बहनों से काफ़ी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बतख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख। सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है।